नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। इस वक्त हम खड़े हैं भितहा प्रखंड क्षेत्र के भुईधरवा पंचायत में, जहां पे 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव का जो अंतिम चरण का मतदान होने वाला है वो यहां पर 12 दिसंबर को होगा, जिसको लेकर पंचायत के जितने भी प्रत्याशी हैं वोटरों के पास जाकर अपना वोट मांग रहे हैं और एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। हालांकि पंचायत का चुनाव का जो आज प्रचार प्रसार है आज दोपहर तक समाप्त होने वाला है, जिसको लेकर जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपना जनता के बीच जा जाकर अपना जन समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि हमारे साथ भुईधरवा पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि पंचायत विकास को लेकर क्या कहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मंजूर हसन। आप किस पंचायत से हैं? भुईधरवा पंचायत से। मुखिया प्रत्याशी हैं? जी, मेरी पत्नी है मुखिया प्रत्याशी, अख्तरी बेगम। आप पहली बार चुनावी मैदान में? नहीं, पांचवी बार है। दो बार चुनाव जीते हैं, दो बार निर्वाचन और ऐतिहासिक वोट से जीते हैं। और इस बार हमारा एजेंडा यही है कि जन जन तक विकास पहुंचाना है, और जो भी गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, घुसखोरी हो रही है, उसको पूर्णतः बंद कराना है। मंजूर हसन यहाँ पे जो पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य हुए हैं, उस क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे? यहाँ विकास कार्य कुछ नहीं दिखता है। सबसे ज्यादा जो नल जल माननीय मुख्यमंत्री का है, 7 निश्चय योजना, उसमें 98% धांधली की गई है। 2% कहीं चालू हुआ है, 98% पूर्णतः चालू नहीं है, एकदम बंद है। और इंदिरा आवास में भी उसी तरह से धांधली हुई है। अच्छा, जनता आपको मौका देती है जी, अगर आप जीत के आते हैं तो क्या विकास करेंगे, विकास का क्या एजेंडा? मेरा विकास का एजेंडा रहेगा कि अपने पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाए और गरीबों को एवं किसान लोगों को खाद बीज मुहैया कराया जाए, चाहे जैसे भी हो, पैक्स द्वारा लड़के और सरकार से लड़के इसको कराया जाएगा। कितना समर्थन मिल रहा है आपको इस बार? मेरे साथ तो अनेकों समर्थन है, पूरे पंचायत की जनता मेरे साथ है। कितना दावा करते हैं जीत का? जीत का 100% मैं दावा करता हूँ। तो अभी आपने देखा कि यहाँ एक मुखिया प्रत्याशी से हमारी बात हुई है। हम भुईधरवा पंचायत के कुछ हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पप्पू कुमार है। भुईधरवा पंचायत में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं जी, और यहाँ बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी हैं जी, जी। तो आप लोग इस बार जी मुखिया प्रत्याशी के रूप में किसको देखना चाहते हैं? जी, सबसे पहले हम मंजूर मुखिया को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बहुत दिल में आदमी रहते हैं और उनका मदद बहुत ज्यादा करते हैं। मंजूर हसन ऐसे इंसान है कि हर इंसान के पास बीच में बैठ के खड़ा होते हैं। उनका जो भी गरीब है सबको दान वान करते हैं, और गरीब में रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सारा कुछ गरीब के साथ करते हैं। ठीक है, तो कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार चौधरी। इस बार भुईधरवा पंचायत से मुखिया के रूप में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? मंजूर हसन को चाहते हैं, क्योंकि मंजूर हसन को इसलिए हम चाहते हैं, जो षड्यंत्र है जो भी है, चंदेश्वर मुखिया कुछ नहीं अभी तक किए हुए हैं। जिस हालात में मंजूर हसन छोड़े थे उसी हालात को अभी लेकर लोग जी रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं हुआ है। हम इसलिए चाहते हैं मंजूर हसन को कि हमारा कर्तव्य जो है आगे बढ़े, आगे सब लोग खुशी मंगल से रहे और इनका मान मर्यादा बने रहे, और पूरे समाज के बीच में बैठने वाले उठने वाले हैं, और इनके लिए हम फुल समर्थन से है। कितना युवाओं का कितना साथ मिल रहा है? फुल जोश मिल रहा है, फुल युवाओं का साथ है। आपको इनमें क्या दिखता है, विशेषता क्या दिखती है? अरे, इनमें तो अनेक गुण है, भरे जनता के बीच में रहते हैं, जो मदद मांगता है उनके साथ मदद करते हैं, जैसे जिसको चाहिए वैसा मिलता है इनके पास से, हर जनता के दिल में राज करते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? दुर्गेश पांडे सर। भुईधरवा पंचायत में चुनाव हो रहा है पंचायत का, इस बार मुखिया के रूप में किसको पसंद करना चाहते हैं? जी, मंजूर मुखिया जी को। क्यों? क्योंकि वो अनथक काम करने में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, जनता के दिलों में उनका हमेशा प्यार रहता है उनके लिए, और किसी के लिए अनवल काम करने में कोई उनका भेदभाव, मानो जाति पाति का कोई नहीं रखते हैं। हजारों युवाओं के साथ है, करोड़ों युवाओं के साथ है। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में क्या लगता है? चुनाव भाई, इस बार तो मुखिया जी को कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमने एक युवा का जाना, हाँ, अभी हम एक और हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हुए हैं ग्रामीण, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पहाड़ी राम है।
इस बार पंचायत चुनाव में भूधरवा पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं जी, मुखिया को के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? हम मंजूर हसन मुखिया को देखना चाहते हैं। भाई मंजूर हसन को, क्योंकि वो मजूर गरीबों का मसीहा है, गरीबों के साथ में वो बढ़ते हैं जीते हैं। क्या किए हैं आप? गरीबों के साथ में वो रात दिन रहते हैं, बहुत बहुत कुछ किए हैं। जिसके घर पर तिरपाल नहीं तो उसके घर पर तिरपाल तोड़वाए हैं मंजूर हसन मुखिया, और चंद्रधर मास्टर होकर मुखिया होकर वो कुछ नहीं किए हैं, ना तिरपाल तोड़वाए हैं ना किसी घर पर मैं छपा है। कितना समर्थन मिल रहा है हमारे, क्या हम मंजूर मुखिया को कितना समर्थन? अरे हमारे तो समर्थन का बताएं आप, हम तो संख्या में बहुत हैं, हम 5,000 संख्या में हैं। सर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी सर, भूधरवा पंचायत से मुखिया के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मैं मंजूर हसन साहब देखना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे क्षेत्र में रहते हैं, हमारे बढ़िया रहते हैं, हमारे काम धाम में भी काम करते हैं, कोई भी काम होता है चाहे बांधा विभाग हो गया चाहे कोई भी काम होता है, हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, एक जगह हैं कि हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे पास हैं सब, हमारे जनता हमारे साथ है, इस करके हम उनका साथ रहना चाहते हैं। हम और किसी को भड़काए में नहीं रहते हैं कि इसके साथ हम जाएँ, क्योंकि हमारे पक्ष जो हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो बहुत बहुमत से जीतेंगे, इन्हीं के साथ हम रहेंगे, चाहे जब तक रहे इनके साथ ही रहेंगे हम। बस हमने जाना कि यहाँ पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ एक महिला भी, ग्रामीण महिला एक जुड़ी हुई है, उनसे हम थोड़ा बात करते हैं। आपका नाम क्या है? बुलिस्ता परवीन। इस बार भूधरवा पंचायत में जो चुनाव हो रहे हैं पंचायत का जी, तो मुखिया के रूप में किसको पसंद? अख्तरी बेगम को। क्यों? क्योंकि हम लोग विकास करवाना चाहते हैं, विकास करवाएंगे। क्या यहाँ पर पिछले 5 सालों में विकास काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है। क्यों, क्या क्या हुआ है विकास का? क्योंकि नल जल भी नहीं है, रोड भी नहीं सही है, तो क्या काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है इस बार कितना समर्थन महिलाओं का, कितना समर्थन? 100% है। कितना भरोसा है जीत का इस बार? 100% है। तो हमने जाना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये हम जानते हैं। एक और हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? न्यूटन मेरा नाम है। इस बार भूधरवा पंचायत में जो पंचायत चुनाव हो रहा है, तो मुखिया के रूप में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? हम लोग मुखिया के रूप में तो मंजूर हसन को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि पूर्व में वो जब 10 साल मुखिया रहे थे तो सबसे अच्छा काम किए। जितना इंदिरा आवास है उन्हीं टाइम का बना हुआ है, और जो भी राशन कार्ड था उन्हीं टाइम का। उस समय तो पिचिंग नहीं होती थी, लेकिन अपने मत से जो भी है इंटरलॉक सोलिंग वगैरह जो भी है सब कराए। लेकिन अभी जो वर्तमान में 10 साल मुखिया है वो बहुत ही बड़ा गड़बड़ झाला किया है, घोटाला पूरे पंचायत को बेच के रख दिया है। अपना जो भी है मत आता है, जितना मत है उससे भी ज्यादा घोटाला किया है। जो भी नल जल हो या हैंडपंप का हो सारा लूट के खा गया है। आपको क्या लगता है इस बार कितना समर्थन मिल रहा है? 100% समर्थन है। हम लोग भी पूरा युवा जोश में है, इस बार परिवर्तन है, 110% है। अब भूधरवा में परिवर्तन होके रहेगा, इस बार कोई नहीं रोकेगा। तो हमने जाना ग्रामीणों की प्रतिक्रिया, हमको लग रहा है कि यहाँ पर करीब करीब सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनता मौजूद है, और हमारे पीछे काफी भीड़ है। बगहा से सुभान अंसारी, पटना न्यूज 24।